गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एनिमल किंगडम वी लर्न अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल एंड इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टुडे वी विल स्टडीड अबाउट बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. ओके, सो व्हाट इज़ द बॉडी सेगमेंटेशन आर मेटामेरिज्म. In certain animals like earthworm, annelida, and millipedes and centipedes, arthropoda, the body is constructed out of the linear repetition of the similar segment. This type of segmentation is known as metameric segmentation. ठीक है, आप लोगों ने earthworm यानी केंचुआ और मिलीपीड्स वगैरह देखा होगा, है ना, वो जो कीड़ा बरसात में अक्सर दिखाई देता है जिसके बहुत सारे पॉट्स होते हैं, लेग्स होते हैं, है ना, तो ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं. तो इनका जो बॉडी का सिमेट्रिकल कैसा होता है, बॉडी का सेगमेंटेशन कैसा होता है, ये बाहर से जो है वो खंडों में बटा हुआ दिखाई देता है, लाइक इस प्रकार, है ना. ये अर्थवर्म देखा होगा आपने, लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो है वो क्या कहलाता है, बॉडी सेगमेंटेशन कहलाता है. दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है, ये बाहर से बॉडी का जो है वो ये खंडों में बटा हुआ दिखाई देता है. जैसे मिलीपीड्स वगैरह हो गया तो इसमें हर एक खंड में इस प्रकार इसका पैर दिखाई देता है ना, लेग्स दिखाई देते हैं. ठीक है, तो इस सेगमेंट परफॉर्म सर्टेन कॉमन फंक्शन बट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सर्टेन अदर फंक्शंस. सो ओनली कलेक्टिवली दे फॉर्म द ऑर्गेनिजम्स. इन एनी लिड्स लाइक द अर्थम मेटामेरिक सेगमेंटेशन हेल्प इन लोकोमोशन. इन आर्थ्रोपोडा दिस सेगमेंट में बियर पेयर्ड ज्वाइंट अपेंडेजेस फॉर फंक्शन लाइक लोकोमोटरी वॉकिंग लेग्स एंड सेंसरी एंटीना फीडिंग माउथ पार्ट. इन इंसेक्ट मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर ग्रुप्ड टू फॉर्म रीजन्स ऑफ द बॉडी लाइक द हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, अर्थवर्म में ये जो सेगमेंटेशन होता है वो लोकोमोशन में काम आता है, चलने में. अर्थवर्म को आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार अपने बॉडी को सिकोड़ सिकोड़ कैसे चलता है सेगमेंटेशन के थ्रू. और आर्थ्रोपोडा में ये जो सेगमेंटेशन होता है लाइक मिलीपीड्स वगैरह में, तो इनमें मैंने अभी बताया कि इनके लोकोमोशन के लिए वॉकिंग लेग्स होते हैं और इनमें सेंसरी ऑर्गन्स एंटीना के रूप में होते हैं, फीडिंग के लिए माउथ पार्ट होता है. ठीक है, इन प्लेटीहेलमिंथीज लाइक टीनिया द बॉडी कंसिस्ट द लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स नोन एज स्ट्रोबिला. न्यू सेगमेंट्स प्रोग्लॉटिस आर एडेड अप थ्रू आउट लाइक फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी. एवरी सेगमेंट इज मोर और लेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. जो टीनिया सुलियम होता है उसमें सभी सेगमेंट जो है वो एक दूसरे से तो स्वतंत्र होते हैं. दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज नोन एज सीडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर स्ट्रोबिलाइजेशन. तो इस टाइप का जो होता है वो झूठा सेगमेंटेशन कहलाता है. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द बॉडी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. इन सिंपल एंड प्रिमिटिव एनिमल्स देयर इज नो हार्ट सपोर्ट आर कवर ऑफ द बॉडी. जो सिंपलेस्ट फॉर्म है एनिमल का या ऑर्गेनिजम्स का, उसमें कोई बाहर से सपोर्ट या कवर नहीं होता है. लाइक अमीबा, जैसे अमीबा का ये वन ही सेलुलर है ना, तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं है. पोरीफेरा वगैरह में भी इस प्रकार का ये होता है टिश्यूज लेयर का, बट इसमें कोई सपोर्ट सेलुलर लेयर का, या हाइड्रा में टिश्यू लेयर का होता है, बट इसमें कोई सपोर्ट बाहर से या कवरिंग बाहर से नहीं होता है. दे आर सॉफ्ट बॉडीड लाइक सिलेंट्रेट्स एंड वर्म्स. सिलेंट्रेट और वर्म्स में देखेंगे तो इनका बॉडी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे अभी हमने अर्थवर्म का बताया है ना. बट इन हायर एनिमल्स देयर इज हार्ड सपोर्ट एंड
कवर अप द बॉडी विच इज नोन एज स्केलेटल। ठीक है, लेकिन जो हायर एनिमल है, जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे जैसे इनका ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं, वर्क का फंक्शन जो है वो डिफ्रेंशिएट होते जाता है, तो इनके बॉडी में एक कवरिंग सपोर्ट पाया जाता है, आउटर लेयर में या इनर लेयर में इसके बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हार्ड लेयर पाया जाता है, और इस हार्ड लेयर को कहते हैं स्केलेटन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन एंड एंडो स्केलेटन। व्हाट इज एक्सो स्केलेटन? इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द हार्ड प्रोटेक्टिव मटेरियल ऑन द बॉडी सरफेस। ठीक है, ये बॉडी सरफेस के बाहर में होता है, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोडा हम पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट हैं वो सारे आर्थ्रोपोडा में होता है आते हैं। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी के बाहर एक कवरिंग होता है, जैसे काकरोच घर में आप लोग देखें, काकरोच का बॉडी जैसा अगर किसी उसको मार मार दो तो कैसा क्रंची होता है ना, बाहर का ये कवरिंग है, ये काइटिन का बना होता है। क्रैब आप लोगों ने देखा होगा, केकड़ा, केकड़ा का जो ऊपर का कवरिंग है वो एक्सो स्केलेटल का। तो बॉडी के बाहर जो स्केलेटल है वो क्या होता है? एक्सो स्केलेटल। लाइक जैसे बटरफ्लाई का जो विंग्स हैं, है ना, वो भी एक्सो स्केलेटल है। मोलस्का, मोलस्का में आते हैं जितने भी सीपी वर्ग के हैं, घोंघे, सीपी, आप लोगों ने देखा होगा इसको, है ना। तो ये सब क्या है? आउटर कवरिंग वाले होते हैं, माने एक्सो स्केलेटल वाले होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और इसी प्रकार इकाइनोडर्म्स में, है ना, हार्ड एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर आर इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स अंडर देयर स्किन्स। इकाइनोडर्म में इसके स्किन के ऊपर ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सभी जो है वो क्या कहलाते हैं? एक्सो स्केलेटन कहलाते हैं। एक्सो स्केलेटन आल्सो प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ फीदर्स, हेयर्स, नेल्स, क्लॉस, स्केल्स एंड हूव्स एक्सेट्रा। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें भी बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो एक्सो स्केलेटल के रूप में, जैसे हमारे नाखून हैं, बाल हैं, पक्षियों के पंख हैं, फीदर्स हैं, है ना, ये सभी जो है वो एक्सो स्केलेटल कहलाता है। एंड सेकंड वन इज द एंडो स्केलेटल। एंडो स्केलेटल किसको बोलता है? जब बॉडी के अंदर होता है, जैसे हाँ ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, जिसके कारण हमारा बॉडी ये बॉडी को सपोर्ट करता है, हमको चलने फिरने में मदद करता है, बॉडी के जो इनर ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और डिफरेंट टाइप के मूवमेंट में ये हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, एंड मूवमेंट को भी ये फॉलो करता है, रैपिड मूवमेंट को। तो इस प्रकार जो बॉडी के अंदर पाया जाता है हार्ड लेयर, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, तो किसके भी बना हो सकता है, बट जो हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, खास करके कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स में इनर स्केलेटल पाया जाता है, एंडो स्केलेटल पाया जाता है, और ये जो है बॉडी के अंदर के पार्ट को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है। बोन ऑफ द जॉस एंड टीथ हेल्प टू ग्राइंड एंड टीयर द टूगेस्ट फूड। इसी प्रकार जो जबड़ों में टीथ पाया जाता है वो खाने को चबाने में भी मदद करता है। एंडो स्केलेटल हैज़ आल्सो हेल्प वर्टिब्रेट्स टू अटेन लार्ज साइज, है ना। तो ये जो है वो वर्टिब्रेट्स को लार्ज साइज होता है बॉडी का, उसको भी ये मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। ठीक, देन वी लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। द एनिमल किंगडम शोस इनॉर्मस डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी एनिमल किंगडम में हमको देखने को मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड। ठीक है, एनिमल्स नोटोकार्ड किसको बोलते हैं? पीठ, बॉडी के अंदर जो अभी हमने स्केलेटल पढ़ा उसमें पीठ में रीढ़ की हड्डी का पाया जाना, और ये होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही बनता है,
नोटो कार्ड बनता है, एक छोटा सा, या तो ये बन के ख़त्म हो जाता है या फिर डेवलप होता है ना, तो या फिर ये बनता ही नहीं है। तो इस बेस पे जो एनिमल किंगडम है उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। दिस किंगडम हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू सब किंगडम, नॉन कार डेटा एंड कार डेटा। सबसे पहले हम इसको नॉन कार डेटा और कार डेटा में इसको डिवाइड करते हैं। तो द नॉन कार डेटा डू नॉट पोसेस नोटो कार्ड एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ, बट कॉर्डेट्स पोसेस द नोटो कार्ड एट लीस्ट इन द सेम सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नॉन कॉर्ड डेटा जो होता है, या इनवर्टिब्रेट भी इसको कहेंगे, तो इसमें किसी भी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में नोटो कार्ड नहीं पाया जाएगा। बट जो कॉर्ड डेटा होते हैं या इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट होते हैं, उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के किसी न किसी स्टेज में नोटो कार्ड होगा। नोटो कार्ड इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ फाइला, द मेजर फाइला आर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेन। नॉन कार्डेट है ना, नॉन कार्डेटा इंक्लूड अ नंबर ऑफ फाइला, द मेजर फाइला आर, नॉन कार्डेटा जो है वो इसमें बहुत सारे, ये हमने फाइव किंगडम ऑफ एनिमल को देखा, फाइव किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमिलिया है, ठीक है। तो ये जो प्रोटिस्टा है ये भी आपका एनिमल किंगडम का ही एक भाग है और ये नॉन कॉर्डेटा में आता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसको क्लासिफाइड करें तो जो अलग अलग बेसिस पे हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, लाइक सेलुलर बेस्ड एंड टिश्यू बेस्ड, तो जो नॉन कॉर्ड डेटा है उसमें आता है पोरीफेरा, ये सेलुलर बेस्ड होता है, ठीक है। तो नॉन कॉर्ड डेटा में फर्स्ट आया प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआन, जिसमें नोटो कार्ड नहीं होता, एंड सेकंड सेलुलर बेस्ड में हमने देखा पोरीफेरा, ये जो है सेलुलर बेस्ड होता है बट इसमें नोटो कार्ड नहीं होता है। एंड टिश्यू बेस्ड अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो टू टाइप्स में हम क्लासिफाइड करते हैं, रेडियल एंड बाइलेटरल। बॉडी का जो सिमेट्रिकल हमने पढ़ा था, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, तो रेडियल सिमेट्रिकल को अगेन हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ये सारे जो हैं वो नॉन कॉर्ड डेटा में आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे किस में आ रहे हैं, नॉन कॉर्ड डेटा में आ रहे हैं। एंड बाइलेटरल बॉडी का जो सिमेट्रिकल है, बाइलेटरल होता है, इसमें आता है एसिलोमेट, जो बॉडी का जो कैविटी होता है ना, ये नहीं होता, इसमें आ जाता है प्लेटीहेलमिंथिस। एंड सीडोसिलोमेट, झूठा बॉडी का कैविटी, इसमें आता है एस्केहेलमिंथिस। एंड सिलोमेट मतलब बॉडी में ट्रू कैविटी होती है, सिलोम होता है, इसमें आता है एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, एनिकाइनोडर्मेटा। यहाँ तक जो है वो आता है नॉन कॉर्डेटा में, ओके। तो नॉन कॉर्डेटा में कितने सारे फाइला है, नॉन कॉर्डेट्स इंक्लूड अ नंबर ऑफ फाइला, प्रोटोजोवा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिंथिस, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थोपोडा, एनिकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा आल्सो, हेमिकॉर्डेटा। यहाँ तक का जो भाग है वो किस में आएगा, नॉन कॉर्डेटा में, यानी कि इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नोटो कार्ड कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता, ओके। एंड नोटो कार्ड इज़, व्हाट इज़ नोटो कार्ड, नोटो कार्ड इज़ मेटअप ऑफ वैक्यूलेटेड सेल सराउंडेड बाई फाइब्रस टिश्यू, इट इज़ अ सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नर्व कार्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द बॉडी। नोटो कार्ड क्या है, जो हमारे पीठ के हड्डी में, वो है ना गले से ऊपर आपका जो सर की हड्डी है, खोपड़ी की हड्डी, उसके पीछे के भाग से निकलता है, और ये जो है वो फाइब्रस टिश्यू से सराउंडेड रहता है, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो स्केलेटल से मिलके बना होता है, स्केलेटल के टुकड़ों से मिलकर, जिसको वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है।
और इसके अंदर जो है वो होल होता है एंड इस होल में नर्व कार्ड होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल और मिड डार्सल लाइन बॉडी के मिड डार्सल लाइन के बीच में होता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ माउथ एंड एनस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज इन द इम्पॉर्टेंट इवेंट टू सर्व एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एंड हमने यहाँ पर नॉन कॉर्डेटा का पढ़ा और फिर आता है कॉर्डेटा। एंड कॉर्डेटा को फिर हम अगेन फाइव क्लासेस में डिवाइड करेंगे, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे फिर आपका फाइलम पोरीफेरा से, क्योंकि हमने प्रोटिस्टा ग्रुप को, प्रोटोजोआंस को यूनिसेलुलर के रूप में अलग से ही हमने एक ग्रुप के रूप में स्टडी किया था। अब एनिमल किंगडम में हम जो है वो फाइलम पोरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगा उसमें हम पोरीफेरा से लेकर बाकी जितने भी फाइलम हैं उसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, तो बाय स्टूडेंट्स।